तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिटफंड निवेशकों का आज पैसा लौटाएंगे। राजनांदगांव जिले के करीब 16,000 से ज्यादा निवेशकों के खातों में आज राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। कुल 7,32,00,000 से ज्यादा की ये राशि है जो आज इनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवेशकों को राशि लौटाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो चिटफंड निवेशकों का पैसा लौटा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से शिवम मिश्रा सहयोगी। शिवम, एक संवेदनशील सरकार, संवेदनशील मुखिया और संवेदनशील फैसला, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऐसे पहले देश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पे चिटफंड के जरिए जिनका पैसा डूब गया था उनको लौटाने की शुरुआत यहां से की जा रही है। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, और इस फैसले के बाद से अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो इस तरीके की फैसला लिए हैं, और छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य बन चुका है देश भर में जो इस तरीके का फैसला राज्य की जनता। बिल्कुल, वाकई में एक बेहद ही संवेदनशील ये फैसला है, और इस तरह के फैसले अमूमन हमने पूरे देश में अब तक के पूरे जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं हमने नहीं देखे, क्योंकि हमने देखा है अमूमन, मैं अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी विशेष तौर पे भी इसलिए देना चाहूंगी कि अमूमन हम देखते आए हैं कि चिटफंड के जरिए जो पैसा लोगों का डूब जाता है तो उम्मीद खो जाती है, या अब ये जो पैसा है वो वापस नहीं मिलेगा। शिवम, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो पैसा चिटफंड के जरिए डूब जाता है तो वो डूब ही जाता है, मतलब जिस तरह से लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जो लोग काल के गाल में समा जाते हैं, ठीक उसी तरह का ये भी एक मामला है। जो पैसा चिटफंड के जरिए डूब गया तो डूब गया, उसके कभी भी वापस आने की गुंजाइशें नहीं रहती हैं, लेकिन इस प्रदेश में ऐसा हो रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा कर रहे हैं, कैसे इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई, किस तरह से रूपरेखा थी, कैसे इंप्लीमेंट किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तत्कालीन सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार को रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाई हुई थी, एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बनाई हुई थी, लगातार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस, तो एक ये बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्कालीन जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये फैसला लिया था कि घोषणा पत्र में इस चीज को डाला था कि अगर जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राज्य सरकार उनका पैसा वापस लौटाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को भी पूरी करती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने इस को उठाया था मुद्दे को पिछले कई समय से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, तो उसी को आज पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ऐतिहासिक फैसले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, बीते महीनों से इसकी प्रक्रिया की जा रही थी, लगातार जांच की जा रही थी और तमाम चिटफंड कंपनियों को नोटिस जारी की जा रही थी। बिल्कुल, क्योंकि शिवम कई सौ करोड़ों का ये पूरा मामला है, कई सौ करोड़ों का ये पूरा मामला है। अगर हम पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में हमने शारदा चिटफंड जैसा एक बड़ा स्कैम देखा, जहां पे एक नहीं दो नहीं न जाने कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोग मतलब उस कगार पे आ गए जिनका जिनको जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा, पूरी कैबिनेट ने इस बात को समझा, एक खाका तैयार किया गया, अब उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। किस तरह से जिन लोगों ने चिटफंड किया था उनकी कैसे धरपकड़ होती है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कैसे उनकी संपत्तियों को सीज किया जाता है, नीलाम किया जाता है, क्योंकि उससे जो रिकवरी हुई है उन्हीं का पैसा सरकार यहाँ पे दे रही है। इसको लेके कैसे सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे क्या कुछ रूपरेखा रखी थी, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया?
देखिए जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस लगातार पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन हाँ। मंत्रियों के खिलाफ घेराव कर रही थी, उन्हें लगातार उन पर आरोप लगा रही थी कि चिटफंड कंपनियों को बढ़ावा पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन कुछ ऐसे मंत्री हैं जो इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तो लगातार ये कहीं ना कहीं कांग्रेस शुरू से ही इस पर नजर बनाई हुई थी। एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था कांग्रेस के पास चिटफंड कंपनियों को लेकर, जिसके बाद लगातार सरकार में आने के बाद प्रक्रिया शुरू की गई, उन्हें नोटिस जारी की गई, नोटिस जारी करने के बाद लगातार उनकी संपत्तियों का ब्यौरा लिया गया, ब्यौरा लेने के बाद तमाम अधिकारियों को वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, जांच आगे बढ़ाई गई और बीते कुछ महीनों से इस लगातार इसकी प्रक्रिया जारी ही थी। कई ऐसे जिले थे जहां पर इनकी संपत्ति थी, उन सभी तमाम जिलों को चिन्हांकित किया गया और चिन्हांकित करने के बाद उन्हें नीलाम किया गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि बीते दिनों भी उनकी संपत्तियों को नीलाम किया गया, जिससे लगभग कुछ राशि करोड़ों की संख्या पर राज्य सरकार के पास आई है। तो उन्होंने राजनांदगांव जिले के 17,000 निवेशकों को 7,42,00,000 से ज्यादा की राशि को बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करने का फैसला लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि आगे भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो राज्य सरकार के नजर पर है, लगातार अधिकारियों को उनके लिए लगाया गया है, जांच की जा रही है और भी संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा और जो लोग बचे हुए जो निवेशक है जो इस घोटाले में फंसे हुए थे उन्हें भी राशि को वापस की जाएगी। तो कहीं ना कहीं राहत भरा फैसला है छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए भी, राज्य सरकार का ये संवेदनशील फैसला है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद तमाम रणनीति बनाई गई, रणनीति के तहत ये पूरा कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए भी एक बड़ा फैसला है ये, और बिल्कुल वाकई में जिस तरह से सत्ता में जिस तरह से भूपेश सरकार आई है, जिस तरह से काम कर रही है, पहले जिस तरह से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का उठाव, फिर उसके बाद समर्थन मूल्य, फिर उसके बाद कई तरह के किसानों को लेके जिस तरह से जो योजनाएं संचालित की गई थी उनको करना, सिलसिलेवार तरीके से जो संविदा में जो कंटेंजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनको रेगुलाइज करना, भले चरणबद्ध तरीके से उनको एक एक चरण में करना, फिर उसके बाद बच्चों के लिए सोचना, फिर लॉकडाउन में भी हमने प्रदेश सरकार की पूरी कार्य प्रणाली को देखा, हमने कोरोना काल में भी हम पूरे सरकार की कार्य प्रणाली को देखते हैं, उसके बाद अब ये फैसला, कितना दबाव अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का फैसला है ये काफी अच्छा फैसला है। तो इससे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की इस फैसले से प्रदेश के नंबर वन मुख्यमंत्री बन चुके हैं कि इस तरीके के फैसला लेकर के अपने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। 17,000 की संख्या कम नहीं होती, 17,000 की संख्या के जनता को आज शाम 5 बजे अपने बैंक अकाउंट के जरिए राशि को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इससे अन्य प्रदेश मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं एक सीख तो जरूर मिलेगी। इसके साथ ही बिल्कुल वाकई में भूते को तिनके का सहारा बहुत होता है, और जिस तरह से यहाँ पे जब करोड़ों रुपए लोगों के डूब जाते हैं उस वक्त भले एक जिले को एक सौगात मिलती है कि नहीं आपका जो पैसा है 7,32,00,000 रुपए जो डूब चुका है 17,000 लोगों का, हम यहाँ पे जिलेवार देने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वाकई में डूबते को तिनके का सहारा जिस तरह से होता है, ये उन लोगों के लिए बेहद ही राहत वाली सांस लेने वाली घड़ी है। और क्योंकि दीपावली है और दीपावली पर धनतेरस के दिन जिस तरह से ये ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वाकई में आज उनका धनतेरस भी मन जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर